अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये खुशी वाली आवाज़ आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि हम जा रहे हैं बेंगलोर, मैं मेरे बच्चे जा रहे हैं प्योके में समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। हमारी अम्मी के घर जा रहे हैं हम सब एक्सेप्ट फॉर द हस्बैंड जी। और ये हैं हमारे छोटे मियाँ जो फुल ऑन खुशी हैं। हमारे बैग्स दो हैं और हमारे सामान इतने हैं। यहाँ पर और ज़रे पड़े हैं जो इस्त्री जो फोल्ड करना है, इस्त्री करना है, जो भी करना है सब यहाँ पर हैं। यहाँ पर मैं सबके सेट्स बनाकर देख रही हूँ कि कैसे किसको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। बच्चे तो जो दो फर्स्ट एंड सेकंड मेरे बेटे जो हैं वो लोग तो काफ़ी लाइन टाइम तक रहेंगे। मैं और अदीन वापस आ जाएंगे जल्दी। और ये है हमारी सोफ़े की हालत। ईद ख़त्म तो सोफ़े की खूबसूरती भी ख़त्म। और यहाँ पर अदीन बैठा हुआ है बैग्स के साथ। ये बैग्स दो हैं हमारे पास और सामान इतने आए हैं। कितनी नाइंसाफ़ी है ये बताओ आप ही। और यहाँ पर सेट करते करते मुझे इतनी ज़री भूख लग गई थी कि मैंने खीमा पराठा लेके खा लिया। ये कल का खीमा पराठा है जो मैंने हॉटबॉक्स में रख के फ्रिज में रख दिया था, तो अब वो मैं लेके खा रही हूँ। इतनी भूख लग गई थी मुझे क्यों, मैंने सुबह से मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। पिछले दो दिन से मैं काम पे काम करे जा रही हूँ कि कपड़े सेट करना है। क्योंकि अचानक हमारा जो प्लान है बनाया है, कोई प्री प्लान नहीं था। क्योंकि हमारा प्री प्लान नहीं था क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ इतना लेट मिला। हाय ताहिर, इतना लेट मिला हमारे को बच्चों का छुट्टी कि हमें अचानक हमने प्लान कर लिया कि हमें जाना है बेंगलोर। ये क्या है? क्या गोल चोर का खोआ लेकर आई। देखो ये भी जाएगा बेंगलोर, इसके ऊपर रखो। तो इसकी वजह से मुझे बच्चों ने जितने भी नए कपड़े पहने थे ईद के वक्त, तो सब मुझे वो आदीन जतन मोटर ऑफ कर डालो माँ। तो जितने भी बच्चों ने पहना था ईद के कपड़े, इन्होंने कहा कि हमें ईद के कपड़े पूरे हमारे रख दो, हमें जाकर उधर भी पहनना है। तो सब मैं धो रही थी, कुछ नए कपड़े भी थे, ये देख सकते हैं आप। अभी तक मैंने टैग्स भी नहीं निकाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जो छोटे थोड़े बहुत जो मैंने बच्चों के लिए नए कपड़े लिया था, बहुत अच्छे डील में मिले थे। वंस अगेन पर टी शर्ट 120 एंड सेट्स वो फॉर 180। कैन यू इमेजिन, पजामा सेट्स मुझे मिले 180 को। वो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी, इनमें ही कहीं पर ही मेरे कपड़े, नए कपड़े बच्चों के, तो वो भी मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अदीन ये सब लेके जाने के लिए ही, तुम्हें रख सकते हैं यहाँ पर। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ बने रहें, देखें हमारा बेंगलुरु जाने का क्या कहते हैं ट्रिप, देखें आप हमारे साथ। और ये मेरा प्योका होगा आफ्टर 3 ईयर्स। कैन यू इमेजिन, उसका भी अलग कहानी, वो भी मैं बताऊंगी आपको कि 3 साल हो गए मैंने अपने प्योके खुद गए, मैं अपने प्योके गई ही नहीं। कोरोना, जय हिंद कोरोना। कोरोना की वजह से हम लोग कहीं भी गए नहीं, प्योका तो छोड़ो कहीं भी गए नहीं हम लोग एक्चुअली में। तो इंशाल्लाह 3 साल के बाद मैं जाऊंगी अपने प्योके में, लेकिन जाऊंगी तो 2 दिन के लिए, लेकिन फिर भी। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। तो ये जो बैग है इसमें कंप्लीट डन है, वो एकदम बंद हो चुका है। इसमें अभी भी जगह है तो मैं देख रही हूँ इसमें कुछ ना कुछ डालने के लिए, नॉट एग्जैक्टली कुछ ना कुछ डालने के लिए, कुछ ना कुछ निकलता ही है। जैसे कि अब हस्बैंड जी जाके लेकर आएंगे बनाना चिप्स लेकर आएंगे, और अभी खोआ है जो डब्बे थे खोए के वो डालने का है, तो वो सब इसके अंदर जाएगा। वो तो पूरे शूज़ हैं बच्चों के, शूज़ यहाँ हैं जो पहन कर जाएंगे उसमें सब, सैंडल्स और स्लीपर्स हैं क्योंकि दो बच्चे जो हैं वहाँ पर एटलीस्ट 2-3 वीक्स तक रहेंगे, तो उनके लिए सैंडल्स और स्लीपर्स उसमें हैं। और इसमें हैं बड़े दो बच्चों के कपड़े इसमें आ गए हैं, मेरे और अदीन के कपड़े इसमें आ चुके हैं। और सो दिस इज़ द ऑलमोस्ट पैकिंग वाला सीन है यहाँ पर हमारा। अब मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए, उसके बाद बच्चों को। अब हमारा जो बस का टाइमिंग है वो है अराउंड 10:30-10:45 का टाइमिंग है रात के। तो अब मैं जाऊंगी रेडी होने के लिए, फिर बच्चों को अराउंड 6:30-7 तक बच्चों को भी रेडी कर दूंगी। तो बस आपको अपडेट देना था कि हमारी पैकिंग कहाँ तक जारी है। मैंने आपको कहा था कि आपको कपड़ों के बारे में दिखाऊंगी, लेकिन इतना काम आ गया था बीच में कि मैं बिल्कुल ही भूल गई थी आप लोगों को बताने के लिए। तो बस यही है, इंशाल्लाह देखेंगे फिर कभी आपको बताऊंगी कपड़ों के बारे में। हाय सर, तो रेडी हो गए तुम्हें जाने के लिए, फुल सेट है तुम्हें। हाँ दिखाओ तुम्हारे कपड़े, देखेंगे कैसे हैं की
वाह, क्या प्यारे प्यारे पजामाज एंड शूज, फुल सेट हो गई हमारे यहाँ सैफनिया। वहाँ पर हस्बैंड के कपड़े ही जो मुझे उठाना है। सैफ प्लीज़ वो विंडोज़ बंद कर डालो माँ, वहाँ पर जो भी विंडोज़ नहीं अच्छी तरह से लॉक कर दो। ये हमारी ओल्ड स्टाइल हाउस की ओल्ड स्टाइल वाले विंडोज़ हैं जो अंदर से खोलते ही। आप सब दुआ करें, इंशाल्लाह रेनोवेट करने का इरादा तो है, लेकिन कब कैसे कहाँ वो तो पता नहीं। लेकिन ये जो जो मेन रेनोवेशन है मुझे विंडोज़ के जो खिड़कियों के जो दरवाजे हैं वो मुझे बाहर डालना है। शायद तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ नहीं है, गो एंड डू इट राइट नाउ। तो ये हैं हमारे सैफ मियाँ जो आधा सारा काम करने के माहिर हैं और सामान गिराने के भी। क्या बना कर हिंदे को उधर के लेना था सोए वीडियोस का, कुछ भगवान का है। लो कितने एनिमल्स हैं। ले ली।